हमारी स्किन तीन लेयर से मिलकर बनी हुई है। ये तीनों लेयर हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर, किसी भी प्रकार की यूवी रेस से बचाते हैं, हीट लॉस या वाटर लॉस होने नहीं देते हैं। और हमारी स्किन की ये तीन लेयर कौन कौन सी होती हैं? देखिए, हमारी स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो पतली होती है, इसे एपिडर्मिस कहते हैं। इसके नीचे हमारी स्किन की दूसरी लेयर होती है जिसे डर्मिस की लेयर कहते हैं, जो सबसे ज्यादा मोटी होती है। और सबसे नीचे हमारी स्किन की हाइपोडर्मिस की लेयर होती है, जिसमें मेनली फैट सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। अब देखिए, ये जो एपिडर्मिस की लेयर होती है, ये भी पांच लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, और यही एपिडर्मिस की लेयर हमारी स्किन को कलर देती है, हम काले होंगे या गोरे होंगे, ये सब इसी एपिडर्मिस से ही तय होता है। चलिए ढंग से जानते हैं इन सब बात को। देखिए, ये जो एपिडर्मिस की लेयर है, इसकी जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जो डर्मिस से जुड़ा रहता है, उसे स्ट्रैटम बेसल के नाम से जानते हैं। ये सिंगल लेयर स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है, और इस लेयर में जो जो सेल्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें मेलानोसाइट होता है, जो हमारे स्किन को रंग देता है काला या गोरा। इसमें मर्कल सेल होती है, जिसकी वजह से हम स्पर्श का अनुभव कर पाते हैं, यानी इसमें टच रिसेप्टर होते हैं। इसमें केराटिनोसाइट और उनके स्टेम सेल भी होते हैं, जिसकी वजह से कभी भी पानी हमारे स्किन के अंदर नहीं जाता है। यही केराटिनोसाइट यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं और हीट लॉस भी नहीं होने देते हैं। एपिडर्मिस की दूसरी लेयर स्ट्रैटम स्पाइनियोसम होती है, जिसमें केराटिनोसाइट नीचे वाली लेयर से ही प्रोलिफरेट और डिफरेंशिएट होकर आती है। इसमें केराटिनोसाइट डेस्मोसोम नाम के एक एडहेरेंस से जुड़ी रहती है। एपिडर्मिस की तीसरी लेयर होती है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। इसमें क्या होता है? इसमें यही केराटिनोसाइट डिफरेंशिएट होकर ऐसी सेल्स बना लेती हैं जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं। इन ग्रैन्यूल्स में हिस्टाडीन और सिस्टीन नाम के प्रोटीन भरे रहते हैं, जो कि केराटिन फिलामेंट को आपस में जोड़े रहते हैं। वही केराटिन प्रोटीन जो हमारे हेयर्स में होते हैं, हमारे स्किन में भी होते हैं। एपिडर्मिस की जो चौथी लेयर है, वो केवल हमारे पाम और सोल में पाई जाती है, यानी हमारे हाथ पांव में, जिसे स्ट्रैटम लूसिडम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें केराटिनोसाइट्स के डेड सेल होते हैं, जो कि ट्रांसलूसेंट होते हैं, जिनमें लाइट आर पार तो हो सकती है, लेकिन ये पारदर्शी नहीं होते हैं। इन्हें हम अपने पाम में और सोल में माइक्रोस्कोप के जरिए भी देख सकते हैं। एपिडर्मिस की जो पांचवी लेयर होती है, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, जिसे हम टच कर पाते हैं, उसमें डेड सेल होती है केराटिनोसाइट्स की, जो कि नीचे से पुश होते होते ऊपर आने पर 40 से 56 दिनों में डेड सेल हो जाती हैं। इस लेयर को स्ट्रैटम कॉर्नियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि एपिडर्मिस की इन पांच लेयर में कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ये अपने नीचे वाले लेयर डर्मिस से डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं, क्योंकि इस डर्मिस वाले लेयर में ब्लड सप्लाई होती है। देखिए, अब आप ये बात जान गए होंगे कि बहुत ही पतली सी एपिडर्मिस की लेयर पांच लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। अब जान लेते हैं कि इसके नीचे वाली जो लेयर होती है डर्मिस, वो कैसे बनी हुई होती है। देखिए, डर्मिस की लेयर बिल्कुल ही हमारे एपिडर्मिस से लगी हुई होती है। इसमें कुछ रिजेस बने हुए होते, मतलब कुछ उतार चढ़ाव जैसी संरचना बनी हुई होती है। इसमें आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इन्हीं उतार चढ़ाव यानी इन्हीं रिजेस की वजह से जो डर्मिस की सबसे ऊपरी लेयर में होती है, यही हमारे हाथों में और पाओं में फिंगरप्रिंट का निर्माण भी करते हैं, जो हमें अलग अलग पहचान देती हैं। अलग अलग जेनेटिक्स के अनुसार इनका पैटर्न भी अलग अलग होता है। डर्मिस की सबसे ऊपर वाली लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, और इसमें फाइब्रोब्लास्ट होता है, मास्ट सेल होता है, मैक्रोफेज होते हैं, इसे पैपिलरी डर्मिस भी कहते हैं। और डर्मिस की जो दूसरी लेयर है, उसे रेटिकुलर लेयर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू होती है, जिसमें कोलाजन और इलास्टिन होता है। इसी की वजह से हमारी स्किन थोड़ी रिजिड होने के साथ साथ थोड़ी इलास्टिक भी होती है, और बुढ़ापे में जो भी रिंकल्स वगैरह पड़ते हैं हमें, झुर्रियां वगैरह, वो इन्हीं लेयर्स की वजह से होती है, डर्मिस लेयर की वजह से। डर्मिस लेयर में ब्लड सप्लाई होती है, टच और हीट वगैरह को सेंस करने के लिए नर्व सप्लाई भी होती है। ऐसे ऐसे मैकेनोरिसेप्टर और थर्मोरिसेप्टर होते हैं जो इन्हें डिटेक्ट कर पाते हैं। इनमें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो पसीना रिलीज करते हैं। इनमें हेयर फॉलिकल होते हैं, जो हमारे स्किन पर छोटे छोटे बाल होते हैं, इन्हीं की वजह से होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, जो हमारे स्किन पर ऑयल रिलीज करते हैं, जिससे हमारा स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहता है। अब देखिए, हमारे स्किन की सबसे आखिरी लेयर होती है, जो कि हमारे मसल से जुड़ी हुई होती है। इसे हाइपोडर्मिस की लेयर कहते हैं, जो फैट टिश्यू यानी एडिपोज टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे मेनली सुपर फेशिया की लेयर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि फेशिया का काम होता है कि वो हमारे मसल को मसल से जोड़े, ऑर्गन को ऑर्गन से जोड़े, स्किन को मसल से जोड़े। हाइपोडर्मिस में भी कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और कुछ इम्यून सेल्स होते हैं, जो इसकी रक्षा करते हैं इस लेयर की इन्फेक्शन से। इसी लेयर की वजह से हीट कभी भी हमारे शरीर से एक्सेसिव अमाउंट में बाहर नहीं निकल पाता है, और हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए मैं आपको स्किन का स्ट्रक्चर समझा पाने में सक्षम हो पाया हूँ। अगर ऐसा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना।